ये 15 मील का कच्चा और टूटा फूटा रास्ता जो गुलमीरा के बाहरी प्रांत में है, इसे अब सिर्फ जहन्नुम का रास्ता ही कहा जा सकता है। इस अंधेर नगरी से अमन पसंद और सीधे साधे किसानों और चरवाहों को उनके घरों से भगाया जा रहा है और मौत के सौदागरों से ये गांव एक नई हुकूमत करवा रही है। गांव वालों को मजबूर किया जा रहा है कि या तो वो दूसरे उजाड़ गांव के टूटे फूटे घरों में रहें या फिर रूसियों के बचे हुए बदबूदार कारखानों में। अभी के दंगों की जिम्मेदारी विदेशी लड़ाकों की टोली ने ली है, जिसे यहाँ के रहने वाले दमन चक्र बुलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग खतरनाक हथियारों से लैस हैं और इनका एक मकसद है, इसमें जो भी टांग अड़ाएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इन शरणार्थियों के लिए मदद की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि किसी भी तरह का सियासी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। मुझसे एक औरत अपने पति के बारे में जानना चाहती है, जिसे विद्रोहियों ने या तो अगवा कर दिया है या अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें हर आने जाने वालों को दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इन्हें कहीं देखा है। यहाँ के मासूम बच्चों का सिर्फ एक ही सवाल है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? बूढ़े माँ बाप आज भी इंतजार में बैठे हैं कि उनका जवान बेटा क्या उनके बारे में सोच रहा है। अगर सोच